आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज का जो प्रश्न है वो और प्रश्नों से थोड़ा सा अलग है। कई भक्त इस प्रश्न के लिए बहुत परेशान रहते हैं। आज मैं इस प्रश्न का उत्तर बताने वाला, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि ध्यान करते समय यदि भगवान का दूसरा रूप आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए। अगर आप अपने इष्ट स्वरूप का ध्यान करते समय यदि दूसरा रूप आ जाए, अर्थात राम रूप का ध्यान करते समय कृष्ण जी आ जाए, विष्णु रूप आ जाए, तो अपने इष्ट रूप के ध्यान से दूसरे रूप का ध्यान का अधिक आदर करना चाहिए। यानी अगर आप राम का ध्यान कर रहे हैं तो कृष्ण का ध्यान करने के लिए और अधिक आदर करना चाहिए उनका। अगर श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं और भगवान विष्णु आ जाए तो उनके ध्यान का अधिक आदर आपको करना चाहिए, क्योंकि ध्यान जो हम करते हैं वह हमारी इच्छा से किया जाता है और ध्यान करते समय दूसरा रूप आता है वह प्रभु की इच्छा से आता है। इसीलिए प्रभु की इच्छा से आया हुआ रूप अधिक आदरणीय होता है। परंतु यह विश्वास रखना चाहिए कि सारे रूप एक ही भगवान के हैं। अपने इष्ट देव के ध्यान के साथ किसी महापुरुष या गुरुदेव का ध्यान करने में कोई दोष नहीं है, किंतु केवल इष्ट देव का ही ध्यान करना सबसे उत्तम होता है। यानी आप सभी के मन में उठ रहे इस प्रश्न का उत्तर मैंने आप सभी को बता दिया कि अगर आप राम कृष्ण विष्णु किसी भी देवी देवता का अगर आप ध्यान कर रहे हो और ध्यान के दौरान आपका उनका दूसरा स्वरूप अगर दिखाई देने लगे, अंतर मन में दर्शन होने लगे, तो ये मान के चलिए उनका आपको और ही आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान अपनी मर्जी से आपको दर्शन दे रहे हैं। ये आप नहीं दर्शन कर रहे हैं, ये परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं। तो ये आपका भाव है, ये आपकी प्रेम है, ये आपकी श्रद्धा है कि आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। और बल्कि आपको अपने आराध्य और जो देवी देवता आपको दर्शन दे रहे हैं उनका आदर सम्मान आपको करना चाहिए, यही उत्तम रहेगा। मैं आप सभी को बता दूं कि भगवान राम कृष्ण विष्णु में कोई भेद नहीं है, केवल नाम रूप का भेद है, वस्तुत्व कोई भेद नहीं है। पूजा ध्यान साधना करते समय आपको किसी देवी देवता के दर्शन हो रहे हैं, आराध्य के दर्शन हो रहे हैं, किसी महापुरुष के दर्शन हो रहे हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन इसके विपरीत आपको कोई भूत प्रेत मरी मशान किसी आत्मा के जैसे दर्शन हो रहे हैं तो घबराने वाली बात है। इस विषय में आप अपने गुरुजन से चाहे करीबी जो भी इस विषय की जानकारी रखते हो उनसे आप संपर्क अवश्य ही करिएगा। देखिए, सात्विक शक्ति अगर साधना के दौरान, पूजा के दौरान, ध्यान साधना के दौरान आपको नज़र आती है, चाहे महसूस होती है, चाहे अंतर मन में दिखाई पड़ती है, तो बहुत ही शुभ संकेत होता है। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा अगर आपको महसूस हो रही हो, दिखाई दे रही हो, आभास हो रहा हो, तो वो दुविधा वाली बात तो होती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप जिस भगवान की भी साधना कर रहे हैं उसके बाद किसी और देवी देवता के दर्शन हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप घबराएं नहीं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।